हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है लौकी के पकोड़े। एक नई तरीके से इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, वो भी आलू के भरते की, एकदम लाजवाब, हेल्दी एवं टेस्टी। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट सर्व करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक लौकी। लौकी लेने के बाद में इसको अच्छी तरह से छील लेंगे, आराम से छीलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। छिलका ही आए इतना छीलेंगे और अंदर गूदा पार्ट ना आए। उसका जिसको 3-4 टुकड़े कर लेंगे, एक शेप में टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद में इसके जो अंदर बीज हैं उसको निकाल लेंगे, छिलने की सहायता से अंदर से बीज निकाल लेंगे। सारी लौकी को ऐसे ही बीज निकाल लेंगे और उसके बाद में इसको बॉयल करने के लिए छोड़ेंगे। पहले धुल लाते हैं, धुलने के बाद में इसको एक कढ़ाई में सर्व करते हैं। कढ़ाई में सर्व करने के बाद में डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालने के बाद में ढक्कन लगा के इसको गैस पे चढ़ा देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। उसके बाद लेते हैं आलू लेते हैं। आलू को अच्छी तरह से घिसते हैं। घिसने के बाद में जब पूरी तरह से आलू घिस जाएंगे तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मसाले मिलाएंगे। लेते हैं 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करते हैं, 1 कटा हुआ बारीक प्याज ऐड करते हैं। उसके बाद में इसमें 1 कटी हुई लगभग हरी मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे भरते को। जब पूरी तरह से भरता मिक्स हो जाएगा तो इसको अलग साइड में रख देंगे, 5 मिनट के लिए अलग रख देंगे। उसका लेते हैं एक बाउल। बाउल में सर्व करते हैं 2 कप बेसन। बेसन सर्व करने के बाद में इसमें मिलाते हैं 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसमें डालते हैं 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे, एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। देख सकते हैं मेरा बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर पतला होगा तो थोड़ा और बेसन ऐड कर लेंगे, अगर गाढ़ा होगा तो थोड़ा और पानी मिला देंगे। एकदम मीडियम साइज़ में रखेंगे बैटर को। उसके बाद इसमें मिलाते हैं 1 चुटकी सोडा। सोडा मिलाने के बाद इधर देख सकते हैं मेरी लौकी पूरी तरह से बॉयल हो चुकी है, जो मैंने अभी सर्व रखा था गैस पर। देख सकते हैं लौकी पूरी तरह से बॉयल हो चुकी है। उसका जिसे निकाल लेंगे, पकड़ की सहायता से इसे निकाल लेंगे। लौकी इतनी बॉयल करना कि पकौड़े बनाने के लिए तैयार हो जाए। ज़्यादा मत बॉयल करना, नहीं तो बन नहीं पाएगा पकौड़ा। उसके बाद लौकी को अलग रखते हैं, भरते पे आते हैं। भरते पे आने के बाद में लेते हैं लौकी। लौकी के अंदर जो मैंने बीज निकाले थे अंदर, इसके अंदर स्टफिंग करेंगे लौकी। लौकी के अंदर स्टफिंग करेंगे आलू। आलू स्टफिंग करने के बाद में इसको अलग रख देंगे साइड में। साइड में रखने के बाद में इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग कैसे करेंगे, चक्कू लेंगे। चक्कू लेने के बाद इसको अच्छे अच्छे पीसों में, छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, एकदम गोल गोल काटेंगे आराम से। सारे पीस ऐसे ही काट लेंगे एक शेप के। उसके बाद में अब आते हैं बेसन वाले बैटर पे। बेसन वाले बैटर में इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद एक एक लौकी करके इसमें सर्व करते जाएंगे। सर्व करने के बाद में सर्व करते हैं टोस्ट। टोस्ट होता है उसमें इसको डीप कर देंगे। इसका कुटा हुआ टोस्ट मैंने तैयार कर लिया था, इसको डीप करने के बाद में चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में इसे सर्व करते हैं, सारे ऐसे एक करके सर्व कर देंगे। एकदम गैस का फ्लो एकदम धीरे रखेंगे, आराम से इसे पकाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बारिश के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, एकदम लाजवाब, हेल्दी एंड टेस्टी बन के तैयार होगी। उसके बाद में पकड़ की सहायता से एक एक करके इसे पलटते जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ इसे पकाना है।
उसके बाद एक एक करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे आराम से, थोड़ा हल्का डीप फ्राई करेंगे कि एकदम अच्छी लगे। देख सकते हैं मेरे लौकी के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। साथ में सर्व करते हैं चटनी, लाजवाब हेल्दी एवं टेस्टी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।